हेलो, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में आपको बताएंगे कि पाकिस्तानी अदाकारों ने ईद का दूसरा दिन कैसे गुजारा। तो वीडियो को आखिर तक देखिएगा और वीडियो को लाइक कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो सबसे पहले बात करते हैं सारा खान के बारे में। तो सारा खान जो कि पाकिस्तान के टॉप एक्ट्रेसेस में से एक हैं और फैंस इन्हें बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, और उन्होंने स्किन कलर की फ्रॉक पहनी हुई थी और उनके साथ उनके हस्बैंड फलक शब्बीर भी थे। तो बात करते सबूर अली और अली अंसारी के बारे में। तो इन दोनों को भी फैंस की तरफ से काफ़ी प्यार मिलता है और इन दोनों की पिक्चर्स भी काफ़ी ज़्यादा पसंद आती हैं फैंस को। तो वहाँ पर इन दोनों ने धूमधाम से ईद को मनाया। सबूर अली ने येलो कलर की फ्रॉक पहनी हुई थी और इस ईद पर अली अंसारी ने उन्हें 5 लाख रुपये ईद दी थी और वो बहुत ज़्यादा खुश नज़र आ रही थी। तो बात करते हैं यमुना ज़ैदी के बारे में। तो यमुना ज़ैदी ने ईद के पहले दिन स्किन कलर का ड्रेस पहना था और सेकंड डे पर उन्होंने स्काई कलर का ड्रेस पहना हुआ था, उसमें वो बहुत ज़्यादा प्यारी नज़र आ रही थी। मगर सबसे ज़्यादा जो देखने वाली चीज़ थी वो उनके बाल थे। उनके बालों की वजह से फैंस उन्हें काफ़ी ज़्यादा ट्रोल कर रहे थे। तो बात करते हैं इकरा अज़ीज़ के बारे में। तो इकरा अज़ीज़ ने भी काफ़ी धूमधाम से ईद को मनाई और वो काफ़ी प्यारी नज़र आ रही थी। ईद के पहले दिन उन्होंने स्काई कलर का ड्रेस पहना था और सेकंड डे पर उन्होंने रेड कलर का ड्रेस पहना हुआ था। तो बात करते हैं कुबरा खान के बारे में। तो उन्होंने वाइट कलर का ड्रेस पहना था इस ईद पर और फैंस को ईद की मुबारकबाद दी थी। तो बात करते हैं बिलाल कुरैशी और उर्सा बिलाल के बारे में। तो इन दोनों ने ट्विनिंग ड्रेसिंग की हुई थी, तो वहाँ पर बिलाल ने वाइट कलर का ड्रेस पहना था और उनकी वाइफ उर्सा ने जो कि ग्रीन कलर का ड्रेस पहना था। तो अब बात करते हैं हदीका कियानी के बारे में। तो हदीका कियानी ने स्काई कलर का ड्रेस पहना था और वो काफ़ी प्यारा था, और उनके साथ उनके बेटे भी थे और दोनों बहुत ज़्यादा प्यारे नज़र आ रहे थे। तो दोस्तों, आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो को लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको शोबिज़ इंडस्ट्री से जुड़ी अपडेट्स मिलती रहें।